नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंचकुला में अध्यापकों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। पंचकुला में अध्यापकों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज जेजेपी कार्यकर्ता ने लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया व प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने उपायुक्त को हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर के हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं जेजेपी नेता संदीप गढ़ी, राजू पाई और हरदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों पर पुलिस में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवाने का काम किया है और इसी को लेकर के वे घोर निंदा करते हैं। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष। युवा साथियों, आप हम होता गुंडागर्दी को रोकने का, ना कि गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का। ये सरकार क्या कर रही है, खुद खट्टर। पिछले दिनों आपने वीडियो वायरल से सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, वहाँ गुंडागर्दी का राज तो अपने आप उजागर होता है। और आपको पता, पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां चार्ज की गई, इससे गुंगी भरी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करे। बीजेपी सरकार हाय हाय की है। हमारी जो बहने थी उनके भी बहुत ज्यादा निशान पड़े हुए हैं और कई जो साथी अध्यापक साथी हैं वो अस्पताल के अंदर एडमिट है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे इस ज्ञापन को डीसी मैडम के पास पहुंचाएं और उनके माध्यम से राज्यपाल को देने का काम करें और हरियाणा सरकार को चिताने काम करें, इसको बर्खास्त करने का काम करें। मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप गढ़ी से, अपनी मांगे रखने काम करें। जोरदार नारे, जोरदार नारे। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने पंचकुला में कंप्यूटर्स के जो टीचर हैं, जो अपनी उचित मांगे रख रहे थे और उनके ऊपर लाठियां बांधकर जो अपना दमनकारी चेहरा जो दिखाया है, उसका जननायक जनता पार्टी पूरे तरीके से विरोध करती है। और हरियाणा का युवा अब भाजपा का जो दमनकारी ये नीति है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और उसका पूरा जोर विरोध किया जाएगा। हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनके ऊपर प्रशासन ने और हमारी खट्टर सरकार है जो उनने लाठी बरसाने का काम किया है, जो कि ये समाज के खिलाफ और शिक्षक वर्ग के खिलाफ बहुत ही निंदनीय काम किया गया है। खट्टर सरकार ऐसा काम, विरोधी काम कर रही है, नारे तो लगा रही है सबका साथ सबका विकास का, लेकिन आज तक विकास के नाम पर लोगों के साथ मारपीट। लट कोई किसान जाते हैं तो उनसे लाठी चार्ज होता है, अध्यापक आते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। तो हम अपने युवा साथियों के साथ और जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पे प्रदर्शन उपाध्याय जो हमारे डीसी मैडम जी हैं उनसे ज्ञापन देने आए हैं राज्यपाल जी के नाम से जी। तो जो हमारे शिक्षित वो कंप्यूटर टीचर थे हमारे वहाँ पे पंचकुला जी, वो हमारा सब समर्थन है उनके साथ और हम चाहते हैं कि उनको सबको पक्का किया जाए और उनकी जो भी मांगे हैं सारी पूरी की जाए। मल्होत्रा जी, जो आज ये प्रदर्शन है हमारा जननायक जनता पार्टी का युवा साथियों की तरफ से, जब पिछले दिनों पंचकुला के अंदर जो हमारे टीचर थे, कंप्यूटर टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और सरकारों से अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आग्रह कर रहे थे। लेकिन खट्टर सरकार ने पुलिस प्रशासन पे के बल पर, लाठियों के बल पर उनको पीटने काम किया, उनको जेल के अंदर डालने काम किया, उन पर पानी की बौछारें दी हैं। आज उन्हीं मांगों को लेकर हमने, जो हमारे कर्मचारी हैं दुष्यंत चौटाला जी ने कल उनको समर्थन दिया है। आज हम आदरणीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल से ये निवेदन करने के लिए आए हैं, इस गूंगी भरी सरकार को बर्खास्त किया जाए।